इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहे, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण है। विज्ञान में एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी विज्ञान से कोसों दूर है, और ये ऐसे टॉपिक हैं जहां सबके परीक्षा में हर बार सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम सवालों की बात करें तो जो पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ नहीं है? जी हाँ, अब आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है निम्नलिखित में कौन सा है पारदर्शी पदार्थ नहीं है। आपने देखा होगा कि नहीं है वाले प्रश्न आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में होंगे, इसलिए जब भी हम आपके लिए प्रश्न बैंक की सीरीज लेकर आते हैं तो उसमें नहीं है वाले सवाल जरूर लेकर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी पदार्थ नहीं है? जल, प्लास्टिक, भट्टी, कांच। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो, सकता है कोई इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो, जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सभी साथी मित्रों को जवाब जरूर दीजिएगा कि पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी का मतलब समझ रहे हैं ना, एक तरफ से दूसरी तरफ अगर दिख रहा है तो हम उसे पारदर्शी की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन पारदर्शी नहीं है, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और खुद कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी नहीं है। सभी मित्र, सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि इस सेशन में हम आपके साथ बने और आप हमारे साथ बने हुए हैं, और ये सेशन आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा अहम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बिना देरी के इस सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि ऐसे प्रश्न बैंक को पूरा तैयार करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से, एक भी टॉपिक गलत ना होने पाए। ये सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क आप सभी के लिए देशहित में, राष्ट्रहित में है। मैं वीडियो को शेयर कर लूँ, आप भी शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जल पारदर्शी है, एक दिखता होगा एक तरफ दूसरी तरफ, प्लास्टिक पारदर्शी है, कांच पारदर्शी, लेकिन भट्टी जो है ना, ये पारदर्शी नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है, क्योंकि ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर दोनों जगह आप इसे लाइव देख पा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ। अगला है, आंख की तुलना की गई है सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से, कैमरा से। जो हमारी आंख है वो उससे की तुलना किससे की गई है? जैसे हमारी आंख की जो बनावट है वो किसकी तरह है? सूर्य से है, चंद्रमा से है, तारों से है, कैमरा से है? सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ये बहुत यूनिक सवाल है, ये बहुत बार पूछा। जब भी हम प्रकाश चैप्टर पढ़ते हैं, जब भी हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी मतलब अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा तो इस तरह के प्रश्न को आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए, बैठा लीजिए। तो हमारा जो आंख है ना, इसकी तुलना हमेशा कैमरा से की जाती है। जो कैमरा जिस तरह से काम करता है, जिस तरह कैमरा की बनावट है, उस तरह हमारी आंख की भी है। तो उम्मीद करते हैं जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ फिर से नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आपके साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे शेयर जरूर करेंगे। अगला है, प्रकाश को माना जाता है, क्या माना जाता है? ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ऊर्जा का विरोधी माना जाता है, चमकती हुई वस्तुओं का स्रोत माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक बात अगर हम बात करें तो इसमें कोई नहीं होगा नहीं। अब आपके पास तीन विकल्प है, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का विरोधी, चमकती हुई वस्तुओं का स्रोत। तब इन तीनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब क्या होगा इसमें से? सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने हैं, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, सभी लोग जवाब देंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब दें, अपने मित्रों तक इस वीडियो को भी साझा करें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में ना रेस के घोड़े। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऊर्जा का स्रोत। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ऊर्जा का स्रोत बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। मतलब ए वाला जवाब है सही है, प्रकाश को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो जितने भी लोगों ने प्रश्न का उत्तर ए बताया, सबके जवाब सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। कह रहा है, एक वस्तु प्रकाश के सभी वर्णों को अवशोषित कर लेती है, तो उस वस्तु का रंग क्या हो जाएगा? लाल होगा, काला होगा, सफेद होगा, पीला होगा? ये बहुत सारे टॉपिक के सवाल है, मतलब बहुत सारा यहाँ पे बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है। अगर आपने चाहा तो इस प्रश्न को आसानी से बता लेंगे, आसानी से सभी को समझा भी लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक वस्तु प्रकाश के सभी वर्णों को अवशोषित कर लेती है, तो जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, फटाफट जवाब दीजिएगा। मैं चाहूंगा आप भी इस प्रश्न का जवाब दें, आप सभी इस प्रश्न का जवाब दें। चलिए हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। एक जवाब दीजिए, गलत होगा और क्या होगा? सही होगा, गलत होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब प्रश्न के उत्तर देंगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये लगेगा ना कि आप कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, अभी कितनी तैयारी आपकी होनी बाकी रह गई है। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग और आगे चलते हैं, इस सेशन में बने रहते हैं आपके साथ मिलकर। यहाँ पर होगा इस प्रश्न का उत्तर सी, काला। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया, काला, तो एक वस्तु प्रकाश के सभी वर्णों को अवशोषित कर लेती है, तो उस वस्तु का रंग काला है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा काला, मतलब सी। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। जी हाँ, अगला है आपके सामने, वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने का कारण क्या है? वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखता है, बचपन से आपके रेनबो आप लोगों ने देखा होगा, किस लिए? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश का विक्षेपण है,
किस कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। जितने भी साथी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इसका जवाब जरूर देंगे। बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए, वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष के दिखाई देने का जो कारण है वह है प्रकाश का विक्षेपण। एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका वो सी है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग हमारा साथ बनाए रखिएगा। अगला है, कोई वस्तु जो सफेद श्वेत दिखाई देती है तब वस्तु प्रकाश के सभी वर्णों को सूचित करती है, अगर ऐसा होता तो क्या होती है? काला। मतलब यह विकल्प तो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के सभी वर्णों को परावर्तित करती है, केवल काले रंग को परावर्तित करती है, केवल सफेद रंग को परावर्तित करती है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। एक बार जरा कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों को साफ सुनाई दे रही है, क्या कोई ऐसा भी है जिसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं उन लोग को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, बताइए जरा फटाफट कमेंट करके कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्या उन सभी को मेरी आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया यहाँ पे। मतलब सभी लोगों ने कोशिश किया, जवाब देने का प्रयास भी किया है और आप लोगों ने लगभग हद तक जवाब भी दिया है। यहाँ पर किस प्रश्न की हम बात करते हैं? यहाँ पर होगा बी, प्रकाश के सभी वर्णों को परावर्तित करती है। था सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी लगाया है तो आपके जवाब सही। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, मैंने प्रकाश के सभी वर्णों को परावर्तित करती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया बी। अब दो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि कोई वस्तु जब सभी वर्णों को अवशोषित करती है तो काला, और प्रकाश के सभी वर्णों को जो परावर्तित करती है तो सफेद। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए उन सभी का जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उम्मीद करते हैं सभी लोग इस वीडियो को बताएंगे, देखेंगे, सभी लोग इस प्रश्न का आसानी से जवाब भी दे पाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जिसको ये प्रश्न काफी कठिन लगे, जिसको ये लगे नहीं सर ये हम जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही आकार का बनता है जब इसे रखा जाता है 2f पर, f पर, f तथा 2f के बीच में, इसमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट अंदाज में इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। प्रश्न नंबर 7 का जवाब तो सही आप लोगों ने दे दिया, सूक्ष्मदर्शी। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का सबका उत्तर सही हो गया, सूक्ष्मदर्शी। अब हम बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही आकार का बनता है जब वस्तु को रखा जाता है, तो सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह 2f। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 2f। मतलब इस सवाल का उत्तर कहां पे होगा? तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया सबका जवाब यहाँ पर सही है, 2f। इसे रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये पूरी एनसीईआरटी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, हम लोग पूरे एनसीईआरटी के साइंस को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अति सूक्ष्म अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब जो आज का प्रश्न बैंक है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। और हमने पहले ही कहा था ये पूरा एनसीईआरटी की साइंस है, एनसीईआरटी की साइंस है जो परीक्षा के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो अति सूक्ष्म अक्षरों को पढ़ने के लिए आपने देखा होगा इस तरह से डंडी बनी होती है, हत्था लगा होता है, इस तरह से होता है ना, एक मुझे डायग्राम बनाने थोड़ा सा काम आता है, तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ए। जितने लोगों ने जवाब दिया उनका जवाब पूरी तरह से सही है, माने उत्तल लेंस। हम बढ़ रहे हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। उत्तल लेंस के द्वारा बहुत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, आभासी उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक सीधा वस्तु से बड़ा, वास्तविक सीधा वस्तु से बड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे जवाब देंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा बहुत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो पहली बात तो ये जान लीजिएगा वास्तविक बनता है, इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? वो वास्तविक बनेगा। एक लाइन तो आप लोगों का क्लियर हो गया, ये कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। बहुत दूरी वस्तु में जो प्रतिबिंब है उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। मतलब अगर प्रश्न की बात करें तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपके जवाब
पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं एक नए प्रश्न की तरफ, एक नए सेशन की तरफ। अगला है, फोटोग्राफिक कैमरा द्वारा चित्र खींचने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? 2F पर होना चाहिए, F और 2F के बीच होना चाहिए, या इसका और भी विकल्प यहाँ पे कट के आ गया है क्या? वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे सी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। फिर विकल्प डी, नॉन ऑफ डीज, इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है 2F पर होना चाहिए, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2F, 2F पर होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही थे। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि पानी के अंदर पड़ा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी के अंदर पड़ा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण, इसमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट और वीडियो को भी शेयर करिएगा फटाफट। पानी के अंदर पड़ा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, बताइए फटाफट कमेंट करके। पानी के अंदर अंदर पड़ा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही थे, लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से एक नया प्रश्न, नया सवाल की तरफ। अगला है, न्यूनतम विचलन वाला रंग है लाल, बैंगनी, हरा, पीला। तो सभी साथ इस प्रश्न का जवाब देंगे, न्यूनतम विचलन वाला रंग है। सभी लोग जवाब दीजिएगा न्यूनतम विचलन वाला रंग। तो यहां पर होगा ए, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण नहीं गुजरती, सीधी गुजर जाती है, मुड़ने के बाद गुजरती है, इसमें से कोई नहीं। प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण नहीं गुजरती है, सीधी गुजर जाती है, मुड़ने के बाद गुजरती है, इनमें से कोई नहीं। जी हां, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो होगा वह है आपका सीधी गुजर जाती है। मतलब अगर आपने इस सवाल का उत्तर भी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही, मतलब प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण सीधी गुजर जाती है। हम आगे चलते हैं फिर से नए प्रश्न, नए सवाल की तरफ। अगला है, किरणें जो एक ही बिंदु पर मिलती हैं क्या कहलाती हैं? अभिसारित, अपसारित, परावर्तित। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक है आज का, मतलब आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हूबहू यहां से मिल जाएंगे, लेकिन वो तब ही मिल पाएंगे जब आप लोग डेली क्लास में टाइम से बने रहेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें, किरणें जो एक ही बिंदु पर मिलती हैं कहलाती हैं। एकदम सही जवाब आपने दिया, अभिसारित। तो जिन लोगों ने अभिसारित बताया उनका जवाब सही था। आगे बढ़ते हैं, किरणें जो एक ही बिंदु से निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो तो अभिसारित कहलाएंगी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, किरणें कहलाएंगी नहीं तो अपसारित होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अपसारित। और जो एक ही बिंदु पर मिलती है अभिसारित कहलाती है, और जो निकलती है अपसारित कहलाती है। तो इन दोनों को स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इन दोनों प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपके हर डाउट को, हर टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगला है, देखिए नोट समझ लेकर कोई जानकारी थी इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके यूपी टेट पुलिस, सुपर टेट, ट्रिपल एससी, पीसीएस, वीडियो, जो भी एग्जाम आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया गया। ये सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश के जौनपुर चलते, मेरी क्लासें निःशुल्क आप सभी के लिए देश में राष्ट्र। यहाँ पर है, मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है। फटाफट जवाब दीजिए फटाफट, मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है। सभी साथी जवाब देंगे, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। प्रश्न नंबर 17 का जवाब सबको देना है, सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। जी, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, फोकस दूरी। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब सही है, एकदम सही जवाब आपने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा
अपसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके भाई, सिलेक्शन लेना है आपको। जी हाँ, कौन सा अपसारी लेंस कहलाता है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर होगा अवतल लेंस। मतलब आपने अगर जवाब इसका बी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। लेकिन कौन सा अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम आगे चलें इसी के साथ। अगला है, कांच के लेंस को पानी में डुबोने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है, शक्ति घट जाती है। फोकस दूरी घट जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। फोकस दूरी से शक्ति दोनों बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जरा बताइए, मेरी आवाज साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना लाइव सेशन में? मैं आपका समय नहीं लूंगा, मैं तेजी से चलता हूं। फोकस दूरी बढ़ जाती है और शक्ति घट जाती है, ये जितने लोगों ने जवाब दिया सही है। अगला है, समतल लेंस के एक ऐनक की फोकस दूरी होती है। समतल लेंस के एक ऐनक की फोकस दूरी होती है, बहुत छोटी, बहुत बड़ी, कोई फोकस दूरी नहीं, अनंत। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। समतल लेंस के एक ऐनक की फोकस दूरी होती है, डी, अनंत। तो सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अगला है, कांच का अपवर्तनांक है 1.5, 1.56, 1.53। यह वीडियो इलेनी विद दुर्गेश के यूट्यूब, इलेनी विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब अगर आपने इसका 1.5 बताया तो आपका जवाब सही है। अगला इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अभिसारी लेंस कहलाता है? देखिए, डेली क्लास में अगर आप लोग को बने रहना है, हर क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से आज ही जुड़िएगा, और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर सभी NCERT की नोट्स 6 से 12 तक आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर अभिसारी लेंस कहलाता है उत्तल लेंस, मतलब अगर आपने इस सवाल का उत्तर बी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। कौन सा अभिसारी लेंस कहलाता है? तो उत्तल लेंस है। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आपके सेशन में। कोई दिक्कत, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है तब अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर हटती है, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। अब जो डेली क्लास वाले होंगे, रेगुलर जो पढ़ते होंगे, उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर ऐसे ही टॉपिक, ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जब आपको पता है कि ऐसे प्रश्न, ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं, तो फिर इसकी तैयारी क्यों नहीं की जाती? जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर झुकती है, मतलब इस सवाल का सही उत्तर आपका ए। तो जितने भी साथी मित्रों ने प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं, उन सबके जवाब सही। मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अपवर्तनांक को प्रदर्शित किया जाता है, बताइए, साइन आई बटे साइन आर, अगर आपने 24 का बी बता दें, इसका जवाब सही। अगला है, कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन रखता है? कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन रखता है? ये एनसीईआरटी का सेशन है, प्रकाश प्रोग्राम एनसीईआरटी साइंस, और मैंने आपसे पहले ही बताया है एनसीईआरटी आपके लिए परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन रखता है? सभी लोग बताइएगा, लाल, नीला, पीला, वैगनी। जी हाँ, एकदम सही आप लोग थे, वैगनी। कुछ लोग गलत भी बताते हैं, कुछ लोग सही बताते हैं। ठीक, लेंस के किस बिंदु से दूरी की माप ली जाती है? वक्रता से, के केंद्र से, फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, पता है लेंस के किस बिंदु से दूरी की माप ली जाती है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके।
जी हाँ, लेंस के किस बिंदु से? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रकाशिक केंद्र से। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब सही है। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण। जवाब दीजिएगा सभी लोग। जी हां, प्रकाश के विक्षेपण के कारण। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंख में लेंस होता है, उत्तल अवतल, उत्तल उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने कई परीक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन आपको लेने भी दुर्गे से मिलेगा और बहुत सारे लोग इसमें गलती भी करते हैं। आंख में जो लेंस होता है कैसा होता है? उत्तल अवतल होता है, उत्तल उत्तल होता है, समतल उत्तल होता है, अवतल उत्तल होता है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे ऐप पर देख रहे हैं। ये निःशुल्क क्लास है, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। काफी लोग गलत बताएंगे, काफी लोग सही भी बताएंगे। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तल उत्तल, मतलब बी अगर आपने जवाब दिया तो सही है। देखिए कुछ लोग के सवाल यहां पे गलत हो जा रहे हैं, घबराइए नहीं, परीक्षा में कदापि गलत नहीं होंगे। कुछ लोग उत्तर ही नहीं टाइप करते डर के हमारे, तो वो परीक्षा में क्या होगा, उनको याद नहीं आता। कि हमारे दिमाग की खासियत है, एक बार जो गलती हो जाती है दोबारा गलती नहीं होती। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन सा इन धनुष का रंग नहीं है? एक ट्रिक है, उसका ट्रिक आपको याद हो तो कमेंट करिएगा, बताइए कौन सा इंद्रधनुष का रंग नहीं है। हम लोग बचपन में याद किए थे हपिनाला वैजानी, तो यहां पर बैगनी भी है, कुछ लोग बिग्योर भी जानते होंगे आपको, आसमानी नीला है, पीला है, काला नहीं है। तो थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया और आपको तुरंत याद आ गया कि सर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी, माने जो गलत है वही यहां पे सही है। हमें यही बताना था इसमें कौन सा गलत है। अगला, जब वस्तु यफ तथा 2F पर रखी जाती है तो बना प्रतिबिंब क्या होगा? बताइए क्या होगा? आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक सीधा तथा वस्तु से छोटा, या वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। जवाब दीजिए प्रश्नों का, कमेंट करने के जगह टिप्पणी करने के सवालों का जवाब दीजिए फटाफट अंदाज में। देखिए अगर प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो वास्तविक बनेगा सीधा तथा वस्तु से छोटा, अर्थात इस सवाल का उत्तर होगा सी, माने जब वस्तु यफ तथा 2F पर रखी जाती है तो जो बना प्रतिबिंब होगा वास्तविक सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा। जरा बताइए कितने लोग का यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। अगला है, जब वस्तु यफ तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाती तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर, वस्तु की दूसरी तरफ, फोकस पर या वक्रता केंद्र पर। बताइए, जब वस्तु यफ तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु की ओर। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंध बिंदु पर, रेटिना पर, कार्निया में, पुतली में। जवाब दीजिए, आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ, एकदम सही आपने बताया, रेटिना पर। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया रेटिना, तो आपका जवाब सही। अगला है, देखिए नोट संबंधी अगर कोई जानकारी ना से आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके काम का है। ऐसा सी बी ओ यूपी ट्रिपल एस सी पेट लोअर पीसेस आर ओ आर ओ सुपर टेट टी जी टी पी जी टी यूपी टेट सी टेट पुलिस सभी के लिए है, ठीक है। अगला है, जब वस्तु लेंस के अनंत पर रखी जाती है, जब वस्तु लेंस से अनंत पर रखी जाती है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? जब वस्तु लेंस से अनंत पर रखी जाती है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा,
अब यहाँ पे दो विकल्प यहाँ होंगे, वास्तविक सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक सीधा तथा वस्तु से फोकस से छोटा। तो अगर प्रश्न नंबर 33 की बात करूँ तो यहाँ पर यहाँ इसी टॉपिक पर है विकल्प, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब सही है। इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा सबसे अधिक अपवर्तनांक का वर्ण है, सबसे अधिक अपवर्तनांक का वर्ण है लाल, नीला, हरा, बैंगनी, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट बताएं, सबसे अधिक अपवर्तनांक का वर्ण है, जवाब दीजिए, बैंगनी, डी। उत्तल लेंस होता है, बीच में मोटा, बीच में पतला, सभी जगह एक समान, इसमें से कोई नहीं, जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। उत्तल लेंस होता है, जी हाँ, बीच में मोटा होता है, इस तरह से होता है, तो बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस इस तरह से होता है, तो बीच में पतला होता है, ठीक है, तुम्हारा ये उत्तल लेंस। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, अगला आपके सामने, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, उपयुक्त, ऑल ऑफ दीज, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, जी हां एकदम आपने सही बताया है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, वस्तु से छोटा भी होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। ये कभी एक में ही देता, आज अलग अलग विकल्प के रूप में दे दिया, मतलब सवाल का उत्तर क्या है, श्वेत वर्ण सभी सात रंगों का संयोजन है, इसकी खोज किसने की थी, न्यूटन, फैराडे, मैक्सवेल, आइंस्टीन। श्वेत वर्ण सभी सात रंगों का संयोजन है, इसकी खोज किसने की थी, न्यूटन, किसने की थी, ए न्यूटन, सही होगा, किसी को दिक्कत कोई सवाल है तो पूछ सकता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, वर्ण क्रम में सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे की परत का क्रमशः वर्ण होता है, तो सीधी सी बात है सबसे ऊपर हो जाएगा लाल, और सबसे लास्ट में अगर देखें तो हो जाएगा बैंगनी, यहां पर हो जाएगा लाल और बैंगनी, सबसे ऊपर हो जाएगा लाल, सबसे नीचे अगर देखा जाए तो बैंगनी। किस रंग के लिए आंख सबसे ज्यादा सुग्राही है, किस रंग के लिए आंख सबसे ज्यादा सुग्राही है, लाल, नीला, बैंगनी, हरा, बताइए सभी लोग जवाब दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, जवाब दीजिए। जी हाँ एकदम सही आप लोगों ने बताया डी, हरा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ आपके साथ, आंख का केंद्रीय छिद्र कहलाता है, आंख का केंद्रीय छिद्र कहलाता है कार्निया, परितारिका, रेटिना, पुतली, 40 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। आंख का केंद्रीय छिद्र कहलाता है, ये एनसीईआरटी है पूरी, मैंने आपको कई बार बताया एनसीईआरटी की साइंस है, आंख का केंद्रीय छिद्र कहलाता है पुतली, मतलब यहां पर उत्तर है डी। आगे बढ़ रहे हैं, आंख का सफेद अपारदर्शी भाग कहलाता है, दृढ़ पटली, रेटिना, कॉर्निया, परितारिका, 41 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। दृढ़ पटली, मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा, उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका केंद्रीय क्षेत्र भाग कहलाता है पुतली। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ,
रेटिना पर कोई दृश्य कितनी देर तक रुकता है? एक चौथाई सेकंड, सेकंड के आठवें भाग तक, सेकंड के सोलहवें भाग तक, सेकंड के बत्तीसवें भाग तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी सीरीज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैं बीच में आपको बताता चल रहा हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो यहां हो जाएगा सी, सेकंड के सोलहवें भाग तक। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सी। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूरदर्शी का द्वारक बड़े आकार का क्यों बनाया जाता है? अधिक प्रकाश ग्रहण करने के लिए, कम प्रकाश ग्रहण करने के लिए, फोकस दूरी कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 43 के जवाब सभी लोग दीजिएगा, और नोट संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं नोट से संबंधित। ये सभी क्लास जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती है। यहां पर होगा अधिक प्रकाश ग्रहण करने के लिए, ए इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बड़ी फोकस दूरी का लेंस कहां लगाया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बड़ी फोकस दूरी का लेंस कहां लगाया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बड़ी फोकस दूरी का लेंस कहां लगाया जाता है? नेत्रिका के स्थान पर, फोकस पर, अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर, कहीं भी नहीं। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा नेत्रिका के स्थान पर। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। साधारण सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को देखा जाता है, साधारण सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को देखा जाता है प्रकाशित केंद्र पर, फोकस पर, द्वितीय फोकस पर, फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच। मतलब डी वालों के जवाब यहां पे सही है। अगला है घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए घड़ी साज क्या प्रयोग करता है? जवाब दीजिएगा साधारण दूरदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बताइए कमेंट करके। अरे कभी आप लोग भी तो जवाब दिया करिए, गलत हो गई से ज्यादा क्या होगा। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा साधारण सूक्ष्मदर्शी। मतलब बी वालों के जवाब यहां पर पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके स्क्रीनशॉट चाहे तो रख लें। देखिए नोट समझे अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, आरआरबी, एनटीबीसी, लेखपाल, पेट, पुलिस यूपीएसआई, एमपी टेट, डीएसएसबी, रीट, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, सभी भर्तियों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बस आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगला आपके सामने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है दो उत्तल लेंस, दो समतल लेंस, दो उत्तल लेंस, चार उत्तल लेंस। जवाब दीजिएगा सभी लोग। इस प्रश्न का उत्तर होगा दो उत्तल लेंस। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है, दो उत्तल लेंस। पढ़ते समय किताबों को आंख से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका जवाब तो दीजिएगा 48 का सब लोग। बताइए कमेंट करके। 25 से अगला है पुतली का आकार नियंत्रित किया जाता है।
रेटिना के द्वारा, परितारिका के द्वारा, कार्निया के द्वारा, नेत्रोध जलित द्रव के द्वारा। बताइए सब लोग, नेत्रोध जलित द्रव के द्वारा, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। यहां पर होगा यहां पर होगा आपका, एक मिनट, यहां पर होगा परितारिका के द्वारा, परितारिका होगा बी, पुतली का आकार परितारिका के द्वारा होगा, पुतली का आकार नियंत्रित किया जाता है परितारिका के द्वारा, बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बी। ये देखिए आज का आखिरी सवाल है, पृथ्वी पर अपने चारों तरफ किसी वस्तु को बहुत दूर हो बड़ी और सीधी तस्वीर देखने के लिए नेत्रक और अभिदृश्यक के बीच एक लेंस लगाया जाता है, इस प्रकार दूरदर्शी को क्या कहते हैं। डेली क्लास के लिए आप लोग, ये आज का आखिरी सवाल है, टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से सभी लोग जुड़ लीजिएगा जो तक अभी तक नहीं जुड़े हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से सभी नोट्स आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर पर है, और ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध में अगर कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सभी लोग जानकारी ले सकते हैं नोट्स से संबंधित। जो चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। वैसे आप लोग वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों तक पहुँचेगा, ये निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा आप सभी के लिए, एनसीईआरटी का सेशन है। अगर आप लोग शेयर करेंगे, लोगों की संख्या बढ़ाएंगे, तो हम इस सेशन को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। प्रतिदिन क्लास का टाइमिंग फिक्स है, कभी कभी एक दो मिनट आगे पीछे हो जाता है लेट, तो आप टाइम से क्लास में बने रहा करिए। और टेलीग्राम पर आपको लिंक हो जाएगी, जो लाइव जुड़े जरा क्लास का टाइमिंग बता दे कि प्रतिदिन क्लास कितने बजे होती है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा पार्थिव दूरदर्शी, मतलब सवाल का उत्तर हो गया बी। कल एक नया टॉपिक होगा, एक नया अध्याय के साथ हम आपके साथ होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि पूरे एनसीईआरटी को फोकस करो, एनसीईआरटी को ही आपको प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलते हैं हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। कोई प्रश्न, कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो इलेनी विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर, इलेनी विद दुर्गेश फेसबुक पेज पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सभी का क्लास में बने रहने के लिए। राधे राधे, सभी को नमस्ते। ठीक है, थैंक यू।